नेक्स्ट है बिसाइड ये मैं मान कर चाहूंगा आपको पता भी होगा बिसाइड मीनस होता है पास पास जैसे ही सेट बिसाइड मी वो मेरे पास बैठ गया यहाँ पे आप नियर भी यूज कर सकते हो ही सेट नियर मी पास डेफिनेट में सिट की सेकेंड फॉर्म कम आओ यू छिपा हुआ यहां पे यू छिपा हुआ है प्रेजेंट डेफिनेट में यू कम तुम आओ एंड सिट हेयर और यहाँ बैठो बिसाइड मी मेरे पास मेरे पास बैठो तो नियर की जगह आप जो है बिसाइड का यूज कर सकते हो बिसाइड्स भाई ये होता है अलावा अलावा। इन एडिशन टू आई हैव नो अदर फैमिली मेरी और कोई फैमिली नहीं है बिसाइड्स माई पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स के अलावा अलावा डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स क्या तुम कोई और स्पोर्ट्स खेल खेलते हो बिसाइड्स फुटबॉल बास्केटबॉल बास्केटबॉल के अलावा बास्केटबॉल के अलावा क्या तुम कोई और खेल खेलते हो तो बास्केटबॉल के अलावा अलावा के सेंस में आप ध्यान रखिएगा इन एडिशन टू फ्रॉम फ्रॉम जो होता है ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आता मींस प्रेजेंट फ्यूचर के परफेक्ट और perfect में नहीं आता जैसे आपने कहा ही विल गो टू कॉलेज वो कॉलेज जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट मंडे अगले मंडे से फ्रॉम नेक्स्ट मंडे अगले मंडे से वो कॉलेज जाएगा अब यहाँ पे अगर चाहो तो ऑन भी ला सकते हो बस सेंस चेंज हो गया वो कॉलेज जाएगा नेक्स्ट मंडे वो नेक्स्ट मंडे कॉलेज जाएगा अगर ऑन लगाओगे तो और फॉर्म लगाओगे तो वह नेक्स्ट मंडे से कॉलेज जाएगा तो दोनों अपनी जगह सही है बस डिपेंड क्या करता है आप कौन सा सेंस देना चाह रहे हो जब हमें ऑप्शन मिलते हैं तो जनरली ऑप्शन जो होते हैं वो इस तरह से नहीं होंगे कि वो कन्फ्यूजन हो आए कि दो आंसर सही हो इस तरह से दिए जाते हैं कि एक आंसर क्लियर कट सही होना चाहिए वरना जो है फिर वो कोर्ट में जाएगा मैटर और कई बार होता भी है सही है कि दो ऑप्शन आए दोनों सही हो गए तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो सेंस देता है टाइम का से नेक्स्ट है फॉर भाई फॉर और सेंस जो होते हैं ये परफेक्ट और परफेक्ट कंडीनस टेंस में यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट या फिर प्रेजेंट का पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट कंडीनस टेंस में फॉर बताता है अवधि का उल्लेख टाइम का बारे में बताता है इनडेफिनेट टाइम बताता है फॉर बताता है इनडेफिनेट टाइम मीन्स पक्का नहीं होगा टाइम कोई कन्फर्म टाइम नहीं होगा इनडेफिनेट जैसे दो आवर्स टू आवर्स हमें नहीं पता दो घंटे कौन से दो से चार हैं या छह से आठ हैं या सैटरडे संडे टू ईयर्स हमें नहीं पता कौन से टू ईयर्स हैं अ लॉन्ग टाइम टाइम का नहीं पता कौन से टाइम की कितने लंबे टाइम की बात हो रही सम टाइम टाइम का नहीं पता तो ये इंडेफिनेट टाइम है टाइम का उल्लेख है इसमें हम फॉर का यूज करते हैं सेंटेंस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस है परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव इटन नथिंग मैंने कुछ नहीं खाया फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय से तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में और अ लॉन्ग टाइम डेफिनेट टाइम नहीं है तो हमने फॉर लगा दिया सेकेंड शी हैज़ बीन लिविंग परफेक्ट कंटिनस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस वो रह रही है यहाँ पर फॉर टेन ईयर्स दस सालों से वो यहाँ पर रह रही है फॉर टेन ईयर्स हमें नहीं पता दस साल कौन से हैं तो हमने फॉर यूज़ कर लिया इनडेफिनेट टाइम है सिंस भाई जो सेंस होता है ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का हो फ्यूचर का हो बस शर्त परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए और ये बतलाता बतला है पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स डेफिनेट टाइम बतलाता है डेफिनेट टाइम एक पक्का टाइम होगा डेफिनेट टाइम जैसे सिक्स ओ क्लॉक डेफिनेट टाइम है लास्ट नाइट इसे हम डेफिनेट टाइम मानेंगे अगर मैं आज की बात कर रहा हूँ तो आज के लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात तो डेफिनेट टाइम माना है हमने इसे लास्ट मंडे डेफिनेट टाइम मानेंगे भाई अगर आज जो है मंडे अगर लास्ट मंडे तो डेफिनेट हो गया लास्ट मंडे पिछला वाला मंडे मॉर्निंग लास्ट मॉर्निंग मॉर्निंग को भी हम डेफिनेट मानते हैं कि मॉर्निंग क्या है सुबह का समय होता है भाई सात बजे होगा छः बजे होगा ये डेफिनेटली मान के चलेंगे हम इवनिंग डेफिनेट है मंडे डेफिनेट है भाई दिन डेफिनेट है जनवरी डेफिनेट है अब यहाँ पर कोई कहा है कि भाई मंडे कौन सा वाला पहला वाला दूसरा वाला लेकिन फिर भी मानेंगे हम मंडे डेफिनेट है ऐसा नहीं है कि वन डे है टू डे है थ्री डेज है हमें नहीं पता कौन से दिन है मंडे मान के चले ये डेफिनेट मंडे है टू थाउजेंड ये डेफिनेट ईयर है तो जब डेफिनेट टाइम हो पॉइंट ऑफ टाइम हो पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम जो है सेंस का यूज़ करते हैं आई हैव नॉट सीन इम प्रजेंट परफेक्ट में मैंने उसे नहीं देखा सिंस टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड नाइन से मैंने उसे नहीं देखा तो डेफिनेट टाइम में इसके अलावा जो सेंस होता है ये बिकॉज के सेंस में भी यूज होता है बस अंतर क्या है अगर आपने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर वगैरह करे हों तो उसमें क्या देखा होगा बिकॉज सेंटेंस के बीच में आता था कभी भी शुरुआत में नहीं आता था लेकिन सिंस बिकॉज के सेंस में जब क्योंकि के तौर पर यूज करते हैं तो शुरुआत में लिख सकते हैं इसे ये शुरुआत में आता है बिकॉज क्योंकि सिंस ही ड्रोव recklessly, ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है ड्रोव क्योंकि उसने गाड़ी चलाई recklessly, केयरलेसली लापरवाही तौर पे, क्योंकि उसने गाड़ी चलाई लापरवाही के तौर पे, ही मैट विद एन एक्सीडेंट उसका एक्सीडेंट हो गया कॉमा से जोड़ा है शुरू में आ गया क्योंकि उसने लापरवाही चलाई उसने क्योंकि उसने गाड़ी चलाई लापरवाही से उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्योंकि से आ गया सिंस शुरुआत में यूज कर सकते हैं बिकॉज नहीं आएगा यहाँ पे since I was ill, क्योंकि मैं बीमार था। because नहीं आएगा क्योंकि, क्योंकि से अगर आपको तो सेंटेंस आ सका नेक्स्ट है अक्रॉस भाई ये जो अक्रॉस वर्ड है इसको हमें ये ध्यान रखना है कि पार का सेंस देता है जैसे आप कहीं पे जा हो ठीक है और एक सड़क है सड़क को पार करनी है आपको या नदी आ गया पुल आ गया तो अक्रॉस द ब्रिज आया अक्रॉस द ब्रिज एक्रॉस द रोड या दुकान है वो सड़क के पार है तो एक द रोड तो जो चीज़ हो उसके पार की बात हो पार तो हम एक का यूज करते हैं एक फ्रॉम वन साइड टू द अदर जैसे शी वॉकड एक्रॉस द फील्ड रोड कुछ भी लगा लो फील्ड रोड ब्रिज कुछ भी ला सकते हो उसने पैदल चल के फील्ड को पार करा तो शी वॉकड फील्ड शी across द ब्रिज उसने पैदल चल के ब्रिज पार करा भाई ब्रिज, ब्रिज, the ब्रिज पुल बना रहे हैं. अक्रॉस द रिवर अब रिवर है रिवर के अक्रॉस मीन्स जो है इस पर रिवर के अक्रॉस तो दे आर बिल्डिंग न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर तो यहाँ पे अक्रॉस आया पार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ भाई अपोजिट साइड का मतलब क्या हो गया कि बीच में कोई जगह है उसके अपोजिट बीच में कोई जगह उसके अपोजिट तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस है द लाइब्रेरी इज जस्ट अक्रॉस द रोड लाइब्रेरी जो है वो ठीक रोड के अक्रॉस है मींस ये रोड है इसके दूसरी तरफ जो है वो लाइब्रेरी है द लाइब्रेरी इज जस्ट अक्रॉस द रोड मीन्स रोड के पार है रोड के पार है पहले वाले सेंटेंस में क्या आया था हमने वर्ब लगा के बनाया था शी अक्रॉस द फील्ड वो चलकर उसने फील्ड को पार करा फील्ड के पार करा चलकर कर यहाँ पर हमने वर्ब नहीं लगाया यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो लाइब्रेरी वो रोड के पार है नेक्स्ट है ही इज वेटिंग फॉर मी वो मेरा इंतजार कर रहा है अक्रॉस द रोड रोड के पार रोड है रोड के उस तरफ दूसरी तरफ रोड के पार वो मेरा इंतजार कर रहा है अच्छा अगर अक्रॉस का सेंस जो होता है वो बड़े के तौर पर भी होता है प्रत्येक जगह जैसे अक्रॉस द कंट्री अब यहाँ पार वार नहीं आएगा अक्रॉस द विलेज बड़े सेंस में यूज होता है वोटिंग टुक प्लेस वोटिंग टुक प्लेस हुई है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टुक प्लेस की टेक प्लेस होना वोटिंग हुई अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री अधिकतर कंट्री में अक्रॉस मीन्स पूरे कंट्री में हुई तो अक्रॉस जो होता है व्यापक रूप से होता है जब पूरे की बात होती है ऑल ओवर द कंट्री ऑल ओवर द कंट्री अक्रॉस द कंट्री ऑन बोथ साइड्स भाई हमने बताया था पार के सेंस में आता है जब जैसे मैं अगर कहीं पे तैर के गया नदी को तैर के पार करा आई स्वैम क्या अक्रॉस द रिवर मैंने नदी तैर के पार की नदी बीच में आई स्वैम अक्रॉस द रिवर अब पार के लिए हम लगा रहे हैं हैंस उसी तरह से हम जो है बो साइड जो दोनों साइड हैं एक इधर वाली और एक उधर वाली उसमें भी हम एक लगाते हैं आ ट्री फेल फॉल की सेकंड फॉर्म फेल फेल गिर गया ट्री गिर गया गयास द रेलवे लाइन जो रेलवे लाइन थी उस पर ट्री गिर गया दैट दस द एक्सीडेंट जिसने एक्सीडेंट कर दिया ट्री रेलवे लाइन पर गिर गया, गयास रेलवे लाइन के पार गिर गया मीन्स इस तरह ट्री गिर, गिर गया जिसने एक्सीडेंट कर दिया तो्रॉस आया है यहाँ पे दो साइड दोनों साइड की बात हो रही है अक्रॉस कम एक्रॉस भाई प्रपोजिशन जब नाउन के साथ में आता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ऐसे और उनको याद करना सबसे मुश्किल काम होता है यहाँ पे कम के साथ में जब अक्रॉस आता है तो इसका मतलब होता है अचानक मुलाकात होना इसमें अचानक आ गया है मीन्स आप सडनली नहीं लगाओगे और जब मुलाकात होता है तो हम विद लगा देते हैं आई मेट विद हिम जनरली कई बार इसमें विद वगैरह कुछ नहीं आता तो ना ही इसमें सडनली आना है और ना ही बाद में विद आना है विद भी नहीं आएगा अचानक मुलाकात होना सैंडे से वेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज जब मैं कॉलेज जा रहा था आई केम अक्रॉस मैं मिला माई चाइल्ड हुड फ्रेंड मैं अपने चाइल्ड हुड बचपन के फ्रेंड से मिला जब मैं अपने कॉलेज जा रहा था मैं अपने चाइल्ड हुड फ्रेंड से मिला अचानक मिला सेकेंड आई केम अक्रॉस हिम मैं उससे मिला केम अक्रॉस मीन्स अचानक मिला मैं उससे अचानक मिला मैंने विद नहीं लगाया है मैं अचानक मिला यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है देखते हैं आपको कितना आया फर्स्ट सेंटेंस है द निगोशिएशन डैश द यूनियन एंड मैनेजमेंट है ब्रोकन डाउन यहाँ पे दो बार के बीच में बातचीत हो रही है यूनियन और मैनेजमेंट दो के बीच में तो क्या आएगा क्लियर कट आंसर है बिटवीन बातचीत यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो हुई have broken down, है ब्रोकन डाउन वो टूट गई ब्रेक डाउन की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन डाउन टूट गई इन डैश सॉप्स सॉप्स होता है जो हमारे रोने की आवाज होती है सिसक नाउ नाउन ये सिसकियां, सिस्कियों के बीच ही मैनेज टू टेल डैम उसने बतलाया उन्हें वॉट हैड हैपन क्या हुआ था सिसकियों के बीच में उसने उन्हें बताया डैम उन्हें बताया वॉट हैड हैपन क्या हुआ था अमंग आएगा एमिड आएगा इन आएगा बिटवीन आएगा भाई यहाँ पे अगर आप कह सकते हो तो आप कहोगे भाई एमिड एमिड कोई जगह की बात होती है कोई जगह हो जैसे कोई मैदान के बीच की बात हो तो हम एमिट लगा दें अच्छा अमंग जो है वो आपको अमंग आ सकता है ठीक है अमंग लगा देते हैं लेकिन बेहतर कौन सा है बेहतर है बीच में सिस्कियों के बीच में जब बीच का सेंस हो तो हम लगाते हैं बिटवीन इन बिटवीन सॉप्स सॉब्स के बीच में उसने जो है बताया उन्हें व्हाट हैड अपन क्या हुआ था थर्ड आर स्कूल वाज बिल्ट राइट हमारा स्कूल ठीक बना हुआ है रिवर, रिवर रिवर पर बना है रिवर के पार बना हुआ है ऑप्शन देखेंगे भाई वॉज बिल्ट रिवर ठीक है was built beside the river, रिवर के पास में बना हुआ है ठीक है और अक्रॉस द रिवर अक्रॉस के रिवर के अक्रॉस पार बना हुआ है तो ये सेंस दे रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो दोनों ऑप्शन चाहिए जनरली इस तरीके के जो आंसर होते हैं वो दिए नहीं आते ऑप्शन तो क्योंकि इसमें क्या होता है फिर वो कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सा आंसर सही है और फिर वो मैटर जो होते हैं वो फंस जाते हैं तो यहाँ पे अक्रॉस रिवर भी आ सकता है हमारा जो स्कूल बना हुआ वो ठीक रिवर के पार बना है या हमारा जो स्कूल है वो ठीक रिवर के बराबर में बना हुआ है बिसाइड फोर्थ डैश क्रिकेट क्रिकेट के अलावा ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल भाई मैंने अलावा बोल दिया सिंपल सा है अलावा मीन्स क्या होगा एक ही चीज हो गया इन एडिशन टू या फिर बिसाइड्स क्रिकेट क्रिकेट के अलावा वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है फिफ्थ आई विल डू दिस मैं इसे करूंगा सैटरडे मैं इसे सैटरडे करूंगा भाई यहाँ पर ऑन सेंस वॉर फ्राम यहाँ पर सेंस ऑफ वॉर तो आएंगे ही नहीं क्योंकि ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस नहीं है यहाँ पर ऑन भी आ सकता है फ्राम भी आ सकता है अगर आप इसे ऑन लगाओगे मैं इसे करूँगा सैटरडे में तो 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 ऑन आ गया सैटरडे मैं करूँगा मैं और अगर आप कहते हो सटरडे से करूंगा तो आएगा फ्रॉम तो दोनों सेंस सही है डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंस जो है कन्वे कर Sixth, they have been running. रहे हो सिक्स दे हैव बीन रनिंग वो दौड़ रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूस में डैश एन आर एक घंटे से अभी परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है तो सिंस या फिर फॉर में से एक आएगा इन टाइम है हमें नहीं पता भाई घंटा कौन सा एक घंटा छः से सात आठ से नौ कौन सा तो क्या आएगा इन टाइम फॉर वो दौड़ रहे हैं एक घंटे से सेवेंथ आई हैव नॉट वॉचड एनी मूवी मैंने कोई मूवी नहीं देखी जुलाई में भाई परफेक्ट टेंस है तो सिंस ऑफ फॉर्म से एक आ सकता है सिंस से एक परफेक्ट टेंस है जुलाई डेफिनेट मानेंगे भाई जुलाई डेफिनेट टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे क्या सिंस। सिंस जुलाई मैंने जुलाई से कोई मूवी नहीं देखी है एट्थ यू स्टडीड हार्ड यू हैव गॉट सक्सेस यहाँ पे सेंटेंस जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है क्योंकि तुमने मेहनत करी क्योंकि तुमने मेहनत करी बिकॉज तो आएगा नहीं क्योंकि इससे जब सेंटेंस क्योंकि स्टार्ट होता है तो बिकॉज कभी नहीं आता कॉमा आ गया फिर कॉमा लगाते हम तुम्हें सक्सेस मिली क्योंकि तुमने मेहनत करी पास्ट एंड डेफिनेट में यू स्टडीड हार्ड यू हैव गॉट सक्सेस तुम्हें सफलता मिली तो यहाँ पे क्योंकि के लिए हम क्या लाए सिंस सिंस से स्टार्ट हुआ क्योंकि से ही केम वो आया पास्ट एंड डेफिनेट पे क्या उसे कुछ उसके ओल्ड लेटर्स मिले अचानक मिले केम तो केम अक्रॉस उसे अचानक उसके कुछ ओल्ड लेटर्स मिले लास्ट या ट्वेल्थ दिस शॉप डजेंट द टॉयज इस शॉप में खिलौने नहीं है डजेंट द टॉयज इस शॉप में खिलौने नहीं है आई वॉज लुकिंग मैं लुकिंग देख रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ भाई यहाँ पे अपर दिया फॉर दिया है जब प्रपोजिशन आता है वर्क के साथ में तो मीनिंग चेंज हो जाता है लुकअप मीन्स होता है डिक्शनरी में जब मीनिंग ढूंढते हैं तो लुकअप लगाते हैं अच्छा लुक के साथ मैट लगाते हैं तो घूंढना हो जाता है लुक फॉर होता है ढूंढना तो यहाँ पे आएगा लुक फॉर दिस शॉप डजेंट है टॉयज इस शॉप में टॉयज नहीं है आई वॉज लुकिंग फॉर जो मैं ढूंढ रहा था तो हमें जो है ध्यान रखना है कि हम कौन सा सेंस कन्वे कर रहे हैं वो सेंस जो है सही बैठना चाहिए तो यहाँ पे जो मैंने आपको प्रपोजिशन बताएं ये आपको क्लियर हो गए होंगे उम्मीद करता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स गुड बाय